गणेश चतुर्थी लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। मेरा एक प्रश्न है, क्या असली गणेश को समझ पाए हैं? असली गणेश को आज तक लोग नहीं समझ पाए हैं। असली गणेश का बहिष्कार किया जा रहा है, बहिष्कृत किया जा रहा है, और बाहर से निर्मित गणेश को बिठाया जा रहा है। जितनी श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से, जितनी लगन और उत्साह से उस गणेश के प्रति निष्ठा है, उतना ही भक्ति, प्रेम, लगन, उत्साह और निष्ठा के साथ असली गणेश के प्रति निष्ठा हो जाए तो आदमी का कल्याण हो जाएगा। कल्याण में कोई बाधा नहीं रह जाएगी। फिर सत्य को समझने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। सत्य कहीं बनावटी नहीं है, सत्य किसी पर आरोपित नहीं है, सत्य किसी संप्रदाय का, किसी मजहब का, किसी धर्म का व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। सत्य के लिए इन सारे अलंकारों को छोड़ करके, सारे विडंबना को छोड़ करके, सारे कर्मकांड को छोड़ करके सत्य को समझने के लिए अलग होना पड़ेगा। इन सबसे ऊपर उठना पड़ेगा। सत्य हमारी परंपरा के हिसाब से सत्य ये है कि हम लोग सदगुरु, संतों, गुरुजनों का पूजार्थी करते हैं। लेकिन एक और उपासक है जो उपासना करते हैं, उनके हिसाब से हमारा आडंबर है। उनके हिसाब से मूर्ति की पूजा करना, पत्थर की, मिट्टी की मूर्तियों की पूजा करना, उसके हिसाब से वो सत्य है। किसी के हिसाब से सत्य है राम का पूजा करना, किसी के लिए सत्य है कृष्ण की पूजा करना, किसी के लिए सत्य है कबीर की पूजा करना। लेकिन हकीकत कहा जाए तो ना उनका सत्य ना हमारा सत्य। सत्य के लिए इन सारे अलंकारों से ऊपर उठना पड़ेगा। सारे निर्मित जो नियम हैं उनसे ऊपर उठना पड़ेगा, तब आप सत्य से परिचित हो सकते हैं। डर और भय में सत्य से मुलाकात नहीं हो सकता है। और जहां जहां डर और भय से सत्य से मुलाकात कराते हैं, धर्म से परिचय कराते हैं, वो सत्य नहीं है। डर होगा, भय होगा, वहां सत्य कहां आएगा? सत्य को समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सुनिए सबकी, निबेरिए अपनी, सारे लोगों के बातों को सुनो और निर्णय अपने विवेक बुद्धि के हिसाब से करो। क्या हम समझ पाए हैं आज तक गणेश को? आज भी विज्ञान के युग में इतना बहिष्कृत होते जा रहे हैं। हम अपने ही परिवार के लोगों से, अपने ही बच्चे, आपके ही बच्चे आपको अलग कर दे रहे हैं। क्या सत्य से अपरिचित नहीं है? हम सत्य से आज भी परिचित नहीं हो पाए? और यदि हम परिचित हो भी गए तो आने वाले पीढ़ी को सत्य का परिचय नहीं कराए हमने? आने वाले पीढ़ी को संस्कार के बारे में नहीं बात बताए? सत्य के बारे में कोई चर्चा ही नहीं किए? तो हमारा मूल पूंजी तो खत्म हो गया। जो हमने बाहर से बटोरा था उन पूंजी को दे दिया बच्चे को, लेकिन जो हमारा मूल पूंजी था जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता था, उस मूल पूंजी से हम बहिष्कृत हो गए हैं। इसलिए हम सत्य को समझे। आज भी जो अपने को किसी परंपरा से जोड़ते हैं, किसी संप्रदाय से जोड़ते हैं, वो लोग भी कर्म कांड करने में पीछे नहीं रहते हैं। अब तो व्हाट्सएप का युग है। व्हाट्सएप बता देता है कि कौन आदमी क्या सोचता है, कौन आदमी क्या करता है। व्हाट्सएप बता देता है। हर आदमी व्हाट्सएप में स्टेटस डाले हैं कबीर, हर आदमी व्हाट्सएप में स्टेटस डाले हैं। कौन से स्टेटस? गणेश चतुर्थी का। बने धूम धाम से अपने घर में बैठा रहे हैं। मानिए आपकी श्रद्धा है तो बुरा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं ये अंधश्रद्धा है।
इस श्रद्धा से आपकी नैया पार नहीं हो सकती है। ये श्रद्धा आपको ऊपर नहीं उठा सकती है। ये श्रद्धा आपको सत्य से परिचय नहीं करा सकती है। ये श्रद्धा आपके अंदर प्रेम उद्घाटित नहीं कर सकता है, क्योंकि जिस पर आपकी श्रद्धा है वो तो बेजान है, वो क्या प्रेम उद्घाटित करेगा। सत्य से परिचय जो आत्मा है, जिसके अंदर प्रेम का उद्गार है, जो प्रेम को समझता है, दया क्षमा को समझता है, आपस में व्यवहार कैसे जीना है इन कलाओं को जानता है, जीवन जीने की उनके पास में कला है, वो आदमी सत्य को समझ सकता है। बाहरी आडंबर से जीवन नहीं बदलता है, जीवन अंदर के विचारों को बदलने से बदलता है। जीवन जब तक हम विचारों को नहीं बदलते हैं, मन को नहीं बदलते हैं, तब तक हम जीवन को नहीं बदल सकते हैं। जीवन बदलने के लिए आदमी बहुत कुछ करता है, कपड़ा बदलता है, गाड़ी बदलता है, मोबाइल बदलता है, घर बदलता है, बहुत कुछ बदलता जाता है। पहनने के तरीका अब दूसरे थे, अब दूसरे हो गए पहनने, कपड़े पहनने के तरीका। पहले हेयर कटिंग दूसरा था, अब हेयर कटिंग दूसरा हो गया। अब पहले दूसरे ढंग से चलते थे, अब दूसरे ढंग से चलते हैं। इस सब से जीवन नहीं बदलता है, ये तो बाहरी चीज है, लेकिन इससे पता चलता है कि वो आदमी क्या सोचता है, क्या करता है, ये पता चलता है। हमारा स्टेटस बताता है, स्टेटस मतलब वर्तमान की स्थिति बताता है कि हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये हम पर तय करता है, हम पर तय करता है। हम जीवन का निर्माण करें। आज भी हम सत्य से अपरिचित रह गए, आज भी हम सत्य को नहीं समझ पाए, तब कब समझेंगे। एक ऐसा विचारों से आप लबालब हैं, आपके पास में ज्ञान का स्रोत है, आपके आंखें अच्छे हैं, आपके पैर अच्छे हैं, तन से चल सक तन से स्वस्थ हैं। एक ऐसा आदमी है जो सत्य को समझना चाहता है, एक ऐसा आदमी है जो सत्य से परिचित होना चाहता है, लेकिन बेचारे आंख से नहीं देख सकते हैं, बेचारे आंख से अंधे हैं। कान से सुनना चाहता है लेकिन कान से नहीं सुन सकते हैं। पैर से चलना चाहते हैं लेकिन पैर से नहीं चल सकते हैं। लंगड़े हैं, क्या हम भी नहीं हैं लंगड़े? हम सब कुछ स्वस्थ होते हुए भी हम विचारों से लंगड़े बने हुए हैं, विचारों से अंधे बने हुए हैं। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, यदि अंदर की आंख भी चली गई, बाहर की चली गई तो कोई बात नहीं, यदि अंदर की आंख भी चली गई तो हम फिर लंगड़े के लंगड़े रह जाएंगे। क्या नहीं होता है विचारों में? हम अपने बारे में आत्मचिंतन ही नहीं करते हैं, कैसे जीवन को जीना चाहिए, कैसे जीवन का लेवल ऊपर उठाना चाहिए, स्तर को, हम उसके बारे में आत्मचिंतन ही नहीं करते हैं। बस जी रहे हैं जीवन को, और इसको जीवन को जीना नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है जीवन को घसीटना। कहीं ऐसा तो नहीं होता है? हमारी अवस्था ढलती चली जा रही है, 30 साल 40 साल 50 साल 60 70 80 साल की अवस्था आ गई है। मन में वही भी द्वेग बना हुआ है, मन में वही कलह बना हुआ है, मन में शांति की परिभाषा सुनते आ रहे हैं लेकिन मन में वो शांति को महसूस ही नहीं किए। बस तृष्णा पड़ी हुई है हमारे पीछे, तृष्णा चल रही है और तृष्णा की लादी लाद रहे हैं, ढो रहे हैं हम जीवन को। क्या जीवन में निर्माण किए हम? कौन सा विकास किए हमने? फिर बाहरी विकास बहुत बड़ी सफलता नहीं है। मन का विकास हो, आंतरिक विकास हो, जीवन का विकास ये है। आप जिस परिवार के बीच में रहते हैं, जिस समाज के बीच में रहते हैं, वो लोग महसूस करें आपको कि इसके अंदर इंसानियत जगी हुई है, इसके अंदर प्रेम जगा है, ये मेरे पिता कहलाने योग्य है, आपके बेटे समझ पाए, आपके बच्चे समझ पाए कि आपके ये मेरे पिता योग्य हो चुके हैं। यदि आप आज पुत्र हैं तो आपके पिता समझ पाए कि वास्तव में मेरा पुत्र एक अच्छा पुत्र बन पाया है, समझ पाए आपके सासू आपके बहू आपके समझ पाए कि अच्छी बहू बन चुकी है, और आप बहू हैं तो आपके सासू को आप समझ पाए
नहीं तो बाहरी चीज बटोरते रहेंगे। कभी ये बाहरी चीज बटोरने से जीवन को उसी में लगा दिए, पूरी शक्ति और समय का पूरा हमने वही दोहन कर दिया और अपने जीवन के लिए समय नहीं बचाया, तो फिर कुछ नहीं कर पाए। किसी संत ने कहा है, सब कुछ जाना हमने, दुनिया को जाना, पूरे संसार को जान लिया और अपने आप को नहीं जाना, सबसे परिचित हुआ और अपने आप से परिचय नहीं हुआ, तो फिर क्या परिचय है? क्या परिचय है? सब परिचय फीका पड़ जाएगा। एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि हम बेड पे पड़े रह जाएंगे, सारे परिचय काम नहीं आएंगे, सारे परिचय काम नहीं है। व्हाट्सएप का परिचय व्हाट्सएप तक रह जाएगा, फेसबुक का परिचय फेसबुक तक रह जाएगा, बिजनेस वाले का परिचय बिजनेस वाले तक रह जाएगा। और बेड में हम रहेंगे ना, जब हम अपने अपने ही शरीर के पीड़ा से कराह रहे होंगे तो सारे परिचय फीका पड़ जाएंगे। और यदि आत्मा से परिचय किए रहेंगे ना, सत्य से परिचय किए रहेंगे ना, तो शरीर की पीड़ाओं को हम ऐसे घूट कर जाएंगे, हमको पीड़ा महसूस नहीं होगी। हमारे शरीर में पीड़ा है पर हमको वो पीड़ा महसूस नहीं होगा, वो पीड़ा हमारे लिए दुखदाई नहीं बनेगा। इसीलिए सत्य से परिचय की जरूरत है। पूज्य गुरुदेव जी कई वर्षों पहले, आज से करीब करीब 20 वर्ष की पहले के बाद, जब उनको साटिका था तो छत्तीसगढ़ में भ्रमण कर रहे थे। साटिका के दौरान भी वो एक घंटा स्पीच देते थे, प्रवचन करते थे ऐसे कुर्सी में बैठ करके, और फिर गाड़ी से चले जाते थे। कभी एहसास नहीं हुआ लोगों की कि इनको बहुत सारी दिक्कतें हैं शरीर में, उनको शरीर से पीड़ा थी बहुत ज्यादा, लेकिन वो महसूस नहीं होने दिया लोगों को कि शरीर में इनकी पीड़ा है। शरीर की पीड़ा से ज्यादा आदमी मन की पीड़ा से व्याकुल होता है। ये जितने फांसी लगाते हैं क्या शरीर की पीड़ा वाले लगाते हैं? जहर पीते हैं क्या शरीर की पीड़ा है उनको? करंट में मर जाते हैं, ट्रेन में कट करके मर जाते हैं, कूद जाते हैं, गंगा में कूद जाते हैं, क्या इनको शरीर की पीड़ा थी? ये मन की पीड़ा है। और मन की पीड़ा की कोई उपचार नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है इसका। भारत सरकार के पास शरीर की पीड़ा के लिए बहुत सारे उपचार है। अब हार्ट और ट्रांसफर भी होना शुरू हो चुका है, एक दूसरे का हार्ट दूसरे के में लगा देते हैं। ये शरीर नहीं है, जर्जर हो चुका है, ये शरीर में अब नहीं जी सकता, आदमी नहीं रह सकता, तो हार्ट ट्रांसफर कर देते हैं। ये भी शुरू हो चुका है, पैसे वाले आदमी ये भी कर रहा है, दूसरे के शरीर में उस प्राणात्मा को उसमें डाल देते हैं, ये भी हो चुका है। लेकिन ऐसा कोई उपचार नहीं है जहां मन की पीड़ा को समाप्त किया जा सके। एक ऐसा उपचार मात्र संत गुरुजनों की कृपा है, संत गुरुजनों की कृपा है जो हमको मन की पीड़ा से मुक्ति दिलाते हैं। इसीलिए सत्संग की जरूरत है, इसीलिए सत्य से परिचय होने की जरूरत है। अपने कुल मिलाकर के अपने विचारों को बदलना है, बस घर बदलने की जरूरत नहीं है, मकान बदलने की जरूरत नहीं है, गाड़ी बदलने की जरूरत नहीं है, लोगों के बीच रहते उन लोगों को बदलने की जरूरत नहीं है, विचारों को बदलना है। विचार बदल जाता है, जीवन बदल जाता है। विचारों को नहीं बदले, वही पुराने विचारों में जी रहे हैं, वही उद्वेगित मन में जी रहे हैं, तो फिर हमने जीवन में विकास नहीं किया है, विकास नहीं किया। सत्संग सुनते सुनते जीवन बीत गया लेकिन विकास नहीं कर पाए। इसलिए आप जिस परिवार के बीच में रहते हैं, जिस समाज के बीच में रहते हैं, वहां आपका होना लोगों को अच्छा महसूस हो। आप जिस परिवार और समाज के बीच में रहते हैं, वहां आपका होना एक महत्वपूर्ण उपस्थिति महसूस हो। आपके न रहने पर लोग खुशी हो, मतलब आपकी जरूरत नहीं रह गई है उस जगह। यदि आपके आप घर के दादा हैं, घर के बुजुर्ग हैं, घर के मुखिया हैं, और आपके रहने पर घर वाले प्रसन्नता महसूस करते हो, तो आप समझो आपने सफल जीवन जिया है। और घर वाले समझते हैं कि ये बूढ़े बाबा थोड़ा हटे कहीं एक दो दिन के लिए, तो हम लोग थोड़ा अपनी जिंदगी का शुरुआत करें, तो फिर असफल जीवन जी रहे हैं, बहुत असफल जीवन जी रहे हैं और बहुत पीछे हैं। इसलिए सत्य को पहले समझिए,
सत्य को नहीं समझेंगे तब तक जीवन को नहीं समझ सकते, और सत्य को नहीं समझेंगे तो क्या चीज सत्य लगेगा? यही माटी पत्थर, यही देवी देवता, यही दुनिया, यही जो पुतले हैं सारे, वही सत्य लगेगा। फिर जीवन सत्य महसूस नहीं हो पाएगा। इसलिए सत्संग में बैठने की जरूरत है। और ये चीज आप समझते हैं तो सफलता ये होगा कि आप जिन परिवार के बीच में रहते हैं उन लोगों को ये चीज से जोड़ते जाइए, सत्य से जोड़ते जाइए। सत्य से मैं कह रहा हूं, कबीरपन से नहीं कह रहा हूं मैं जोड़ने के लिए, सत्य से जोड़ते जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे सिद्धांत से जुड़िए, मेरे विचारों से जुड़िए, आप सत्य से जुड़िए। सत्य से अपरिचित होते जा रहे हैं और इसी का परिणाम है कि असत्य सामने आता जा रहा है। इसी का परिणाम है कि आज विज्ञान के युग में भी, इतने विज्ञान के युग में भी चमत्कार और आडंबर बढ़ता चला जा रहा है, प्रेम घटता चला जा रहा है। विज्ञान का चमत्कार है कि आदमी ने देश और काल की दूरी को घटा दिया, विज्ञान का चमत्कार। लेकिन देश और काल की दूरी तो घट गई। जिन यात्राओं को आज से 50 साल 60 साल पहले पूर्व, जिन यात्राओं को हम 6 महीने में साल भर में करते थे, उन यात्राओं को मात्र घंटे 2 घंटे में कर सकते हैं। ये विज्ञान का चमत्कार है। लेकिन बहुत कुछ तो विकास हुआ, लेकिन बहुत कुछ हनन हो गया, बहुत कुछ का नुकसान भी हो गया। अब लोगों को आंखें की लज्जा खत्म हो गई, लोगों को बड़े का सम्मान खत्म हो गया। आज भाई और भाई से दिल की दूरी बढ़ती चली गई। ये विज्ञान का ही तो देन है। आज भाई और भाई आपस में बात नहीं करना चाहते हैं, एक दूसरे से नहीं मिलना चाहते हैं, एक दूसरे से दिल की दूरी बढ़ती चली जा रही है। ये विज्ञान का ही तो चमत्कार है। और कुल दोष विज्ञान का नहीं है, ये अपना ही दोष है, अपना ही दोष है। विज्ञान को दोषी नहीं कहना चाहिए। इसी दुनिया में कुछ लोग हैं जो स्वर्ग की जिंदगी जीते हैं, ऐसे जिंदगी जीते हैं मानो उनके जीवन में दुख ही नहीं है। इतना प्रेम से जीते हैं सास और बहू, कभी महसूस नहीं होता कि वो लोग सास और बहू होंगे, कभी महसूस नहीं होता है। ऐसे जीते हैं जैसे मानो एक ही खून के रिश्ते हैं, जैसे माँ और बेटी है। ऐसी भी दुनिया में जीने वाले हैं। भाई और भाई ऐसे जीते हैं कि उस परंपरा को आज जो आज से कई सौ वर्ष श्री राम कथा कहते हैं, उन सिस्टम को आज भी कुछ लोग निभाते हैं और कुछ लोग दूर होते चले जाते हैं। भाई और भाई दुश्मन बन जाते हैं। और उपासक तो है, श्री राम उपासक तो है। श्री राम की कथा करते हैं, श्री राम के नाम से उपवास करते हैं, सब कुछ करते हैं। वैसे ही अभी 30 त्योहार चला, 30 त्योहार में बड़े धूमधाम से 30 त्योहार उपवास रखते हैं, लेकिन 30 त्योहार का उपवास असफल चला जाता है। क्यों असफल चला जाता है? क्योंकि आपस में वही पति और पत्नी आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। पति के लंबे उम्र के लिए बड़े उपवास रहते हैं और वही दूसरे दिन तीज त्योहार के दिन कुछ लोग आपस में टूट पड़ते हैं, घर में तांडव मचना शुरू हो जाता है। तो फिर तीज त्योहार भी चला गया। आपस में वही पति के लिए उपवास रहते हैं, लेकिन उसी पति को जिन्होंने जन्म दिया उस माँ और पिता के लिए श्रद्धा का भाव ही नहीं। वो लगते हैं दुश्मन जैसे लगते हैं। उनके सामने बात करना बड़ी मुश्किल हो जाता है। उनके सामने प्रेम से बात नहीं कर सकते, उनको सम्मान नहीं कर सकते। असफल हो गया। कौन सा तीज त्योहार? अभी गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। अभी साहब जी कह रहे थे पहले गणेश भगवान बिठाया जाता था तो बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ। अब गणेश भगवान क्या है? आपका गणेश भगवान तांडव मचाने के लिए हो गया है। डीजे चलाएंगे, कान फोड़ू डीजे, जो बीमार आदमी हो तुरंत हार्ट अटैक हो जाए, उनको मर जाए वो आदमी। मैं अभी पिथौरा में थे हम लोग, तो पहले गणेश ठंडा करते थे तो थोड़ा बाजा वाजा कर लेते थे। अब तो गणेश स्थापना करने के लिए भी इतना डीजे लगाया था, हम लोग रास्ते में घूम रहे थे तो क्या तांडव नहीं है तो क्या है? कोई गरीब आदमी हो और जिसको हार्ट की बीमारी हो, तो आदमी हार्ट अटैक बीमारी जो उसका जो धड़कन है ना,
उसी से आदमी मर जाएगा। क्या यही गणेश चतुर्थी है? बड़े श्रद्धा से प्रेम से पूजा और अर्चना करेंगे, लास्ट दिन इतनी दुर्दशा होती है, इतनी दुर्दशा होती है, सारी श्रद्धा मात्र 9 दिन रहती है, 9 से 10 दिन उसकी सारी श्रद्धा, और 10वें 11वें दिन देखेंगे ना तो कोई गेंद की तरह फेंक रहे हैं गणेश को, तो कुछ और कर रहे हैं। ये आप व्हाट्सएप में देखते हैं, इसलिए मैं कहा कि सत्य से परिचित है आदमी, अपरिचित है सत्य से। कोई फेंक रहे हैं तो कोई झूल रहे हैं, उसी में पानी बह रहे हैं, तांडव तो है ही। क्या इसे श्रद्धा कहा जाएगा? क्या इसी को श्रद्धा कहा जाएगा? ये गणेश चतुर्थी के लिए हुआ, तीज त्योहार के लिए वही भी है। आज बड़े धूमधाम से, बड़े ही मन की प्रसन्नता से आनंदित होकर के उपवास है। दूसरे दिन सास ससुर के साथ तांडव चालू हो गया, सास बहू का खत्म। कौन सा तीज त्योहार का उपवास है? इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा सत्य से परिचय इसलिए जरूरत है, किसी के नियम नहीं, किसी के आरोपित नियम से सत्य से परिचय नहीं हो सकता है। सत्य से परिचय होने के लिए इन सारे आरोपण को, सारे विडंबना जो आज बन रह चुकी है, ये मेरा, ये तेरा, ये इनका, ये बड़ा, ये छोटा, ये धर्म बड़ा, ये संप्रदाय बड़ा, ये हमारे मतपंथ बड़े, इनके मतपंथ छोटे, इन सारे आडंबर को काट करके आपको इन सबसे ऊपर उठना पड़ेगा, तब कहीं आप सत्य से परिचित हो सकते हैं, तब कहीं आप सत्य से परिचित हो चुके हैं। नहीं तो जीवन भर आप ऐसे ही जीवन को घसीटते रह जाएंगे। आप, मैंने कहा अभी बीच में कि आपके तरीका को हम बतलाते हैं कि हम कैसे जीते हैं, हमारा एक क्रियाकलाप बताता है कि हमारी स्थिति क्या है, एक क्रियाकलाप बताता है। अभी अगले जगह प्रोग्राम था तो वहां गए थे, तो साहेब जी कह रहे थे, पूज्य और साहेब जी भी आने वाले हैं, कहे कि हमारा मौन रहना भी बहुत बोलना होता है, मौन रहना भी बहुत बोलना होता है। क्या मौन रहता है? वो आदमी बोलता है, लेकिन जो आदमी बोलता है उससे कहीं ज्यादा आदमी मौन होकर के बोलता है। कैसे बोलता है? एक आदमी बोलता है तो मीठा बोलता है, लेकिन एक आदमी मौन है और अंदर से क्रोधित है एकदम, तो उनके आंखें लाल लाल हो जाएगा, आंख बोलती है उनकी, उनके चेहरे बदल जाते हैं, उनका आंख बोलता है, उनके चेहरे बोलता है। कैसे बोलता है आदमी का? आदमी का हर क्रियाकलाप बताता है कि हर आदमी का मकान भी बोलता है। मकान कैसे बोलता है कि वो मकान कैसे बनाना चाहता है, मकान का उसका डाइनिंग रूम का स्टाइल क्या है, उसका बैठक रूम का स्टाइल क्या है, उनका बेडरूम का स्टाइल क्या है, उनका मकान बोलता है। उसको बुलवा कौन रहा है? हमारी अंतरात्मा बुलवाती है। हम जो फॉलो करते हैं ना, हम जो जीवन में जीते हैं, वो चीज बोलता है। हमारे हर क्रियाकलाप, हम घड़ी पहनते हैं वो भी बोलता है कि हमको घड़ी पसंद है, हम कपड़े पहनते हैं, जींस पहनते हैं तो बोलता है कि ये जींस पहनना इस व्यक्ति को पसंद है। कोई हेयर कटिंग, कोई इधर कटिंग करता है तो कोई इधर कटिंग करता है तो बोलता है कि इनका हेयर कटिंग स्टाइल बोलता है कि आदमी का विचार क्या होगा। एक आदमी अकेले चलना पसंद करता है, एकांत में रहना पसंद करता है, तो उनका ये एकांत में रहना पसंद करता है, मतलब वो बोलता है अंदर से कि मैं एकांत प्रिय आदमी। एक आदमी है जो चार लोगों की चुगली के बीच में रहता है, बोलता तो नहीं है लेकिन चार लोगों की चुगली के बीच में रहता है, तो वो बताता है कि आदमी को चुगली पसंद है। एक आदमी को खाने पीने में बड़ा इंटरेस्ट रखता है तो वो होटल में जाकर के खाता है, बोलता नहीं है, उनका क्रियाकलाप बोलता है। और ये सब कुछ आप तय करते हैं। आप जीवन का निर्माण करना चाहते हैं तो ये सारा बोलना धीरे धीरे किनारे चलता जाता है, फिर आपको एकांत, मौन, सत्संग, अध्यात्म, यही चीज प्रिय लगता है, नहीं तो सब फीका पड़ जाता है, सब फीका पड़ जाता है। एक आदमी साधारण जीना शुरू करता है तो उनको साधारण जीवन ही पसंद करता है। एक आदमी है बड़े टिप टाप में रहना पसंद करता है,
अच्छे मोबाइल रखता है, टेबलेट रखता है, अच्छी गाड़ियां रखता है, तो भी चीज उनका बोलता है कि आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं। हर चीज बोलता है आपका, हर चीज बोलता है आपका। और जो आप करते हैं, जो क्रियाकलाप आपके बोलते हैं, उससे आपके आने वाले पीढ़ी को संस्कार मिलता है, वही चीज जो पीढ़ी सीखता है। इसलिए आप ऐसा बोले, ऐसा मौन हो करके भी ऐसा बोले कि आने वाले पीढ़ी को वो छाप पड़े, और यही सत्य से परिचित होना है। बोलिए सद्गुरु देव की जय।